I'm fine. Welcome back to another vlog. So it's a new week. आज है Wednesday and आज मेरा goal है अपना makeup वाला जो काम है वो थोड़ा बहुत align करने का. So मैंने ये makeup वाली चीज़ ना सबसे last के लिए रखी थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मैंने list बना के रखी है और मेरे को सीधे सब कुछ order करना है. But जो थोड़े expensive products हैं उनका मेरे को shade test करना है offline जाके. So अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ. उसके बाद मैं जाऊँगी मॉल. उसके बाद मैं करूँगी shade test. करूंगी मैं सारा ऑनलाइन ऑर्डर बिकॉज मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि ऑनलाइन में ना आप लोगों को बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं चाहे वो क्लोथिंग हो चाहे कॉस्मेटिक हो चाहे कुछ भी हो. सो मैं प्रेफर कर रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग. मेरे को ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें मिल रही है. सो इसीलिए मैं अभी वहां जाती हूँ फिर देखती हूँ उसके बाद आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ. ओके सो ये है मेरा OOTD और निकलने में मेरे को बहुत शाम हो गई थी. सो ये जो गौर सिटी सेंटर मॉल है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं. सो मेकअप भी टोटल सॉर्टेड था. मैक के स्टूडियो में मेरा ये सेकंड टाइम था आई गेस क्योंकि लेना कुछ होता नहीं है तो फालतू चक्कर मार के कुछ फ़ायदा नहीं है. सो हुआ क्या कि यहाँ पे जो इनके आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 7:30 तक होते हैं. सो जितना भी कुछ मेरे को कंसल्टेशन या ट्रायल हो रहा था ना वो मैं अकेले ही कर रही थी और ये इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे थे. सो वो एक ड्रॉबैक था. बट चलो मैंने शेड फाइनलाइज कर लिया था. फिर इन्होंने थोड़े लिपस्टिक स्वॉच करवाए. शेड्स वर एक्सट्रीमली प्रिटी बट दे वर टू एक्सपेंसिव लाइक बहुत ज़्यादा. सो सी कितने प्रिटी हैं बट नो आई जस्ट कांट बाय दैट. एंड देन मैंने ऐसी थोड़ा बहुत देखा थोड़ी वॉचेस वगैरह देखी फॉर गिफ्टिंग पर्पस एंड या मेकअप वाला काम हो गया डन. उसके बाद मैंने मिस्टर DIY से अपने साशु के लिए थोड़ी शॉपिंग करी एंड देन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को स्ट्रेस ईटिंग करनी पड़ रही थी. रुको खा लूँ फिर बताती हूँ क्या हुआ. सो मैं मॉल से वापस आ गई हूँ और एक बहुत बुरी खबर है कि मेरा ATM कार्ड लॉस्ट हो गया है. यस कल मैं CP गई थी और शायद मैं वहाँ से निकालना ही भूल गई क्योंकि ये हो सकता है ये मेरे से ज़रूर हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ और मैंने बोला भी था मैं बहुत लॉस्ट रहती हूँ. सो इसलिए मे भी ऐसा हो गया हो. ये मिस हैपनिंग्स ना हो मेरी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता. सो अभी मैं देखती हूँ कि उसको ब्लॉक कैसे करवा सकते हैं. एंड ये सब मेरे को बिल्कुल नहीं आता बिल्कुल भी नहीं आता. सो देखते हैं कि क्या होता है. यस ए साशु आप कितने पाले लग ले हो ये घंटी पहन के भैया. ये तो इन्ना सोना कोई भी नहीं लगता होगा कभी. तुम तो एकदम हीलो लग ले हो भाई हीलो लग ले हो. गुड नाइट. ओके सो मेकअप का सीन मेरा काफ़ी सॉर्टेड हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. मेरे को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है बट उसको इतना ज़्यादा कुछ पता है ना प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में. सो मैंने उससे काफ़ी कुछ कंसल्ट करके फाइनली अपनी एक लिस्ट बनाई है. यहाँ पे मैंने 3 बार पेजेस चेंज कर दिए हैं बट अब जाके ये फाइनल लिखा है यहाँ पे मैंने फाइनल मेकअप ऑर्डर. सो मैं और सब कुछ ही नायका से ही ऑर्डर करने वाली हूँ और अभी 1 महीना है तो आराम से वो सब कुछ आता रहेगा. कॉस्मेटिक वैसे भी रिटर्न होता नहीं है एक्सचेंज होता नहीं है तो उसमें मेरे को कोई लोड नहीं है कि वो आएगा फिर जाएगा ऐसे ऐसे करके. तो जो भी आएगा आई जस्ट हैव टू कीप इट. आज की डेट में मैंने कर दिया है मैक का कॉम्पैक्ट स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट ऑर्डर और उस एक मेकअप मतलब उस एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में मैंने 4 बार सोचा है. एक्चुअली मतलब 3,000 का एक कॉम्पैक्ट मतलब इतना तो मेरा पूरा मेकअप का बजट होना चाहिए लेकिन वो एक कॉम्पैक्ट सिर्फ 3,000 रुपये का है. बट वही है ना कि जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट लगाते हो या फिर बाद में आपको तैयार वगैरह होना पड़ता है तो फिनिशिंग अच्छी आए. और मैंने 2 बार मैक के प्रोडक्ट्स यूज़ करे अपने फेस पे लाइक रोके में भी उसी ने मेरा मेकअप किया था और उसी अपने प्रोडक्ट से किया था तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था. एंड तब से मैंने सोचा था कि मैक का कुछ तो मतलब होना चाहिए बिकॉज मेकअप में मैक इज़ जस्ट यहाँ पे आता है. सो वो एक चीज़ ओन करना ही मेरे लिए बड़ी बात है. तो ये है मेरी प्रॉपर लिस्ट. अगर आप भी ब्राइड टू बी हो या आपको भी हेल्प चाहिए हो तो मे बी मेरी लिस्ट से आपको कोई हेल्प मिल जाए. मैं बहुत प्रो नहीं हूँ बट मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइक सॉर्ट करके रखी हुई हैं. सो स्टार्ट ही मैंने ऐसे किया है बिल्कुल ऑर्डर में
इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर लगा दूंगी अगर आप लोग को हेल्प हो, बट राइटिंग ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आने को. ओके, सो लोकेशन मैंने चेंज कर दी है सो दैट आई कैन रेफर अ पिक्चर ओवर हियर फॉर यू गाइस. सो सबसे पहली चीज जो हमें ऑर्डर करनी है अपनी लिस्ट में से वो है क्लिंजर. तो सेटाफिल का क्लिंजर हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट. मैं 3-4 साल से यूज कर रही हूँ उसे. वो फेस वॉश का भी काम करता है, वो मेकअप रिमूवर का भी काम करता है. तो चाहे शादी हो चाहे नॉर्मल डेज हो, यू जस्ट हैव टू ऑर्डर. Like I can just rely on that product. The next thing is moisturizer. So आप कोई भी moisturizer ले सकते हो, but मैं काफी time से Cetaphil का use कर रही हूँ. So it's basically a hydrating lotion. उसके बाद हमारी बारी आती है primer की. So मैं अभी तक Color Bar का primer use कर रही थी, but फिर अंशुमा ने मेरे को बोला you can go for Lakme also. ये वाला जो Lakme है ये मैंने finalize किया है and I will now order it. So next is color corrector or concealer. So I was just eyeing on this product काफी time से. LA Girl का कलर करेक्टर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स, मेकअप आर्टिस्ट और ब्लॉगर्स को देखा है. वो ऑरेंज कलर का यहाँ पे लगा के अपनी पिगमेंटेशन को बैलेंस करते हैं. तो मेरे भी पिगमेंटेशन है यूजुअली, सो इसलिए मैं नॉर्मल डेज में तो नहीं ले पाई, बट मैंने सोचा कि अब शादी के टाइम में ले ही लेती हूँ और वो बहुत दिन तक चलेगा. सो नेक्स्ट थिंग इज कंसीलर. सो पहले तो मेरे को कंसीलर का मतलब ही नहीं पता था क्या होता है, बट जब से पता चला है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ मेबेलिन का यूज कर रही हूँ. बट इस बार उसने बोला कि तुम बॉबी ब्राउन, नेक्स या फिर मैक वगैरह का कंसीलर ट्राई करो, बट नाम इतने बड़े बड़े हैं ना कि मतलब मेरा पूरा मेकअप किट का जो बजट है उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट आ रहा है. तो ये तो मेरे को नहीं करना था. तो बट निक्स इज अ प्रिटी अफोर्डेबल प्रोडक्ट. सो ये वाली जो निक्स की रेंज है वो है HD वाली, तो उसको लगा के कुछ हो जाता होगा, पता नहीं HD सा हो जाता होगा. सो उसके बाद हमारा आता है फाउंडेशन. तो फाउंडेशन मेबेलिन इज माई गो टू फाउंडेशन. लाइक उसने मैक बोला था, बट आई जस्ट कांट बाय दैट. बहुत ज़्यादा महंगा है, लाइक बहुत ज़्यादा महंगा है. सो अगर आपको एक रीजनेबल किट बनानी है ना तो मेबेलिन इज मस्ट. तो वैसे तो मैं फिटमी वाला यूज़ कर रही हूँ, बट इस बार मैं सुपर स्टे वाला ट्राई कर रही हूँ. ये वाला प्रोडक्ट ये थोड़ा ज़्यादा कवरेज देता है. सो मेकअप सारा हो गया हमारा, अब हमें चाहिए उसके ऊपर कुछ पाउडर वाउडर लगा के या फिर लूज पाउडर कुछ भी. सो वो तो मैंने मैक का कॉम्पैक्ट ऑर्डर किया है. तो अगर आप नीचे थोड़ा सा नॉर्मल ब्रांड भी लगा रहे हो ना, बट जब आप उसको मैक के कॉम्पैक्ट से ओवरलैप करते हो ना, तो वो आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस लगती है. उसके बाद हमें मेकअप सेटिंग स्प्रे भी चाहिए होता है, जो मैंने कभी यूज नहीं किया है. पहले मैंने मैक का ही सोचा था, वो कुछ प्रेप प्लस फिक्स पता नहीं कुछ करके आता है, वो लेना था मेरे को. बट फिर मैंने सोचा यार मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो इसलिए मैंने स्विस ब्यूटी का ये है मेकअप फिक्सर. ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में लोगों को रील्स में यूज़ करते हुए देखा है. इसके बाद हमारा आता है आई वाला पार्ट. तो ब्लू हेवन का ये वाला जो आईब्रो पेंसिल है, आईब्रो डिफाइनर कहते हैं इसको, इतना सस्ता है और इतना सही प्रोडक्ट है ना. आईलाइनर मैंने सोचा है मेबेलिन का, जो ये वाला आता है, ये वाला काफ़ी सही भी है, मतलब प्राइस भी सही है और वैसे भी सही है. मैं थोड़ा डाइसी हूँ, ब्लू हेवन का वो जो स्केच वाला लाइनर आता है ना वो भी बहुत अच्छा है, बट लेट्स सी. इसके बाद है मस्कारा. सो मैंने सोचा था इसमें जो मैंने लिखा हुआ है वो है मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा. ये इनका नया लॉन्च है और बहुत मतलब मस्त है, लाइक मैंने प्रमोशनल वीडियोस वगैरह देखे थे. सो फेस हो गया, आई हो गया, अब है हमारे पैलेट वगैरह का सेक्शन. तो लिटरली मेरे को कोई आइडिया नहीं है पैलेट कैसे ली जाती है, कभी मेरे पास कोई पैलेट नहीं थी. सो पॉसिबली आई विल ऑर्डर दिस वन. प्राइस में भी सही है और मतलब हम जैसे बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए यही सही है. लैशेज वगैरह भी मैं सोच रही हूँ, फेक लैशेज जो होती हैं वो भी एक दो उसमें डाल लूँ. सो नेक्स्ट है लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक्स का मेरे को जीरो आइडिया है. लाइक मैं आई एम नॉट अ लिपस्टिक पर्सन, मैं लगाती ही नहीं हूँ. जिंदगी में एक न्यूड न्यूएंस लिपस्टिक है, उसी को घिसती हूँ, उसी को ये कर लेती हूँ ऐसे करके. सो ये जो रेड मतलब ब्राइडल वाले जो शेड्स हैं वो मैंने मैक में भी सर्च करे थे, बट इतनी महंगी, लाइक 1700 की एक लिपस्टिक, मतलब पता नहीं कभी जिंदगी में आगे ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, बट अभी तो मैं कतई नहीं लूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी है. और एक लिपस्टिक लाइक 1700 में मैं क्या क्या कर लूँ. बट अंशुमा ने बोला है कि वो मेरे को लिपस्टिक्स देगी, उसको ज्यादा आइडिया है. उसने पहले से ही बोला हुआ था कि पैलेट्स और लिपस्टिक्स वगैरह पे तुम फोकस मत करना, वो सारा कुछ मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी. तो उस वो नहीं होती ना लिटरली, ये मेरा जो इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको लिस्ट दिख रही है ना, ये कुछ नहीं होती. तो इसके बाद है हमारा ब्रश का सेट.
सो ब्रश आजकल मेरे को बड़े ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, वो मैं रील्स वगैरह भी देखती हूँ ना, सो उसमें वो ऐसे करके यूँ हाइलाइटर लगा लेती हैं ऐसे ऐसे करके, सो वो मेरा बड़ा मन था कि मैं ब्रश का सेट लूँ स्विस ब्यूटी का, वो मैंने ऐड किया है, काफ़ी अफोर्डेबल है यार, और 5-6 तरह के इसमें ब्रशेज हैं शायद। उसके बाद बहुत ही लाइक बेसिक सी चीज़ें हैं, बॉडी वॉश, शैम्पू और सैनिटरी पैड्स, और हाँ फेक नेल, सो ये मैं अमेजोन से ऑर्डर करूँगी, और ये फ्रेंच टिप वाला है, बहुत क्यूट सा और बहुत सस्ता भी है, सो ये मैं एक बार लूँगी और ट्राई करूँगी। कोम्ब है, वाइप्स हैं, कॉटन बॉल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नॉर्मल शॉप पे भी मिल जाती हैं, सो जो मैं ये घर जाऊँगी सो मैं वहाँ से लेकर ही वहाँ पे चीज़ें रख दूँगी, और ऑर्डर वाली सारी ये वाली चीज़ें। सो या दिस वॉज ऑल, इसके अलावा भी कुछ बच जाता है अगर तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को लिटरली बहुत कम नॉलेज है इन सब चीज़ों की, बट ये है कि ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से सॉर्ट कर ली थी और फाइनल अपनी लिस्ट बना ली थी। सो या ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। अगर आप में से कोई भी ब्राइड टू बी है, ब्राइड्स मेड है, देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा, एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल। Comment down below, subscribe to my channel and follow me on my Instagram for more content. Thank you so much for watching, and I think I should take leave now until we meet another time. Allah Hafiz.